के थामकावे खातिर जब अल हैं जब दुकान पर सब जैसे कि जनता के लोग के सुनल हम से तो मान ली कि पिस्टल लेके अल तो जनता ऑटोमेटिक बटुए के उजागर हो जाए उतावला हो जाए केकर दुकान पे आए गोर लगातनी समाचार बटुए बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से रिपोर्टर बानी विकास श्रीवास्तव जी। आपसी विवाद में घंटों रहल रोड जाम, मूक दर्शक बनल पुलिस, समझावत समझावत वीडियो के भइल पड़लै खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। आक्रोशित लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। चुनाव आचार संहिता लागल बा लेकिन एकरा बावजूद ब्रह्मपुर रघुनाथपुर रोड में घंटन जाम लागे से लोग के आवे जाए में तकलीफ के सामना करे के पड़ल। जानकारी के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व के एगो स्वर्ण व्यवसायी संदीप गुप्ता से मारपीट कइल गई। संजीत गुप्ता के द्वारा यह मारपीट के विरोध कइल गई लेकिन तबो अपराधी जौन बाणे मारपीट कइले। एकरा बाद माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान में असामाजिक तत्व के द्वारा दुकान चला रहल सोनू कुमार के डंटा से पिटाई कइल गई। आक्रोशित व्यवसायी ब्रह्मपुर रघुनाथपुर मुख्य मार्ग में स्टेट बैंक के सामने घंटन भ जाम कर दिले। एक जानकारी पुलिस के भइल, सूचना मिलते पुलिस पहुँचल, लोग के समझावे बुझावे पर तैयार भइल लेकिन लोग माने के तैयार ना रहन। एकरा बाद वीडियो आशीष कुमार मिश्रा समझावत बुझावत पड़ल भइल, तब जाके ई लोग मानल आ जाम हटावल। लेकिन सवाल यह बटुए कि आखिरकार चुनाव आचार संहिता के कौना तरीका से हिजा धजिया उड़ावल गई बा एक सीधा तस्वीर दिख रहा बा। मारपीट भइल बा तो आवेदन थाना में दिहित लोग ओकरा पर कार्रवाई होइत लेकिन थाना में आवेदन ना दियाइल, मुख्य मार्ग के ही जाम कर दिहल गई। जानकारी के अनुसार लगभग 9 बजे रात तक कौनो आवेदन ना पड़ल रहे जवना से प्रमाणित होता कि अब मीकू पांडे एगो और लड़का था, आंखें घुस के मारे लगा लो, कुछ मांगल लो, कुछ बोलल लो, मारे लगा लो, रंगदारी में से मारे लगे गाली ले देखे का मांगत रहे लो। मामला बा के शाम के लैका के हमारा अलन लोग 9-5 बजे रुपये के रंगदारी तो लैका अभी मोबाइल है, ये मोबाइल है, पैसा ना रहे मरला लोग है, मोबाइल फूटल बटे मरल बड़ा लोग आप सुबह रात पड़े नहीं पहले आवा रहे माता चौदह बात बाबू से कपड़े कहीं आवे बंदूक भिड़ा दिला दे हाथ ना पैसा अभी दे बंदूक भिड़ा दे। हाँ तीन आदमी रहन, तीन आदमी के पहचान बा, एक आदमी के नाम सब जानते नहीं, दो आदमी के पहचान बा नन के जानो। अच्छा दो आदमी के नाम पहचान तो नहीं, कैसे कहो लोग शाम तक नाम दे देंगे। ब्रह्मपुर में कुछ अपराधी तत्व के लोग उपजता लोग, उजागर होता लोग, केहू के दिन में धमकावता लोग पिस्टल के बल पर। दुकानदार बेचारा दुकान चला के पेट पाले वाला बाल बच्चा के ये अपना दुकान चलावे में सब लोग व्यस्त बा, तारा से मार झगड़ा तो केहू करी ना, लेकिन भैया पिस्टल दुकान में ले जाके आ मारे के तू धमकी देब तो जनता के पास क्या बा, रोड जाम करना, थाना जाम करना, थाना घेराव करना, यही न जनता के पास है। अच्छा जे पिस्टल देखे पहचान हो
अच्छा तो पिस्टल तो खोले बार पहचान स्वयं लैका बटुए जरा चोटिल बा जौन लैका स्वयं उहे पहचान कैले बा जी एजे के रहे वाला लैका हो। ये अचानक जाम कहे लगे? ये अचानक जाम फिर वहाँ के रिवाल पिस्टल लेके धमकावे खातिर जब अल हैं जब दुकान पर सभी जैसे कि जनता के लोग के सुनल हम से तो मान ली कि पिस्टल लेके अल तो जनता ऑटोमेटिक बटुए के उजागर हो जाए उतावला हो जाए। केकर दुकान पे दुकान एजाऊ माऊ चाऊ के बाटे बेचारा एजा टेंट टोंट चलावत दुकान सतीश गुप्ता का दुकान है महालक्ष्मी ज्वेलर्स धमका लोग पहले ना गलो दुकान में ढूक के कहला लोग रंगदारी द पैसा द ना देव तो गोली मार आ काल इनका लड़को के मरल बनल लोग रड से रड से रंगदारी खातिर कल पुलिस के सूचना दिखल रहे ना इतो डरा के लास्ट में अब डरला के आज डूब गए दुकान में लोग जी एस टी ये थी सब सामान और पार दिल बा जी एस टी के कापी सब ना गहना उले के भागल बा जे हम गेले बा ओकर नाम भी मालूम बा हां मालूम का नाम बोलो के मीकू पांडे केकर लिखा है गोपी पांडे के कहां के हमें उरा ये बरापुरे के रावरपुर के का हमार नाम है पंचू वर्मा बरापुरे घर जी ये लगातार होता घटना उनका लड़का सबके घर में ढुकता सब कांड करता ये चीज के हमनी के बर्दाश्त ना करब जे भाई हमने के मांग बटुए कि ओकर गुंडा एक लगा के ओकर अरेस्टिंग आ बाप के भी बाप पर भी एफआईआर होखे के चाही बाप भी ओकर दोषी बा कब तक जाम खत्म ना हो जब तक जाम तक देखते हैं कोई प्रशासन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया होता है उसके बाद में जाम खत्म होगा लेकिन कार्रवाई होगा तब जाम अपन परिचय बताएं हृदयानंद पासवान पूर्व बीडीसी ब्रह्मपुर पंचायत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौंगाई नर्सरी से 10 तक।